हुए ही अपने प्रदेश पहुंच रहे हैं। रायपुर के टाटीबंध के पास सैकड़ों की संख्या में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से मजदूर पहुंचे, जो न केवल झारखंड उड़ीसा जाने वाले हैं बल्कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों के भी कई मजदूर हैं। लॉकडाउन में अलग अलग इलाकों में फंसे मजदूर अब पैदल चलकर अपनी घरों की ओर जाने को मजबूर है। ये रायपुर का टाटीबंध चौक है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई झारखंड जाने वाला मजदूर है, कोई बिहार के लोग मजदूर हैं, यहाँ पर सभी पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। और देख सकते हैं ये जो तस्वीर है वो पूरी कहानी बयां कर रही है कि हजारों किलोमीटर ये पैदल चलकर आज रायपुर पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर जो मजदूर हैं वो बिहार के हैं, झारखंड के, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लोरमी के भी कुछ मजदूर यहाँ पर हैं। हालांकि कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं ट्रकों को रुकवा कर मजदूरों को उसमें बैठाया जा रहा है और फिर उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पर मजदूरों के पहुंचने की जानकारी कुछ लोगों को मिली, कुछ समाज सहयोगियों को मिली, वो भी यहाँ पर पहुंचे और सभी मजदूरों को जो भूखे थे मजदूर उनको यहाँ पर भोजन भी कराया। आप कहाँ से हैं ये बताइए? हम बिहार से हैं सर। अच्छा, कहाँ काम करते हैं आप? यहाँ पर नागपुर में। अच्छा जी, पूरा पैदल चलकर आ रहे हैं? जी पूरा पैदल चलकर आ रहे हैं। इस दौरान कोई तकलीफ आपको हुई? तकलीफ हमारे साथ बहुत हुई है। कैसे? या हम लोग को कुछ कंपनी भी साथ नहीं दे रहा है, कुछ साथ नहीं दे रहा है, न सरकारी कोई व्यवस्था है, न जाने का सुविधा है, कुछ नहीं हो रहा है, पैदल चल के आ रहे हैं। अभी भी अभी कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है, अभी पैदल ही जाएंगे? अभी भी कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है, आगे सोच रहे हैं क्या होगा, देखा जाएगा जो होगा। और मजदूर उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से आ रहे हैं। हैदराबाद से कहाँ जा रहे हैं? बलौदाबाद जा रहे हैं। कहाँ क्या काम करते थे? राजमिस्त्री हैं, जुड़ाई प्लस्तर। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के लोकल के भी हैं, ये बलौदाबाजार के मजदूर हैं जो हैदराबाद काम करने के लिए गए थे। इसके अलावा कुछ और मजदूर उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ के हैं? झारखंड। झारखंड कहाँ से चलकर आ रहे हैं पैदल? तेलंगाना सर। क्या क्या तकलीफें वहाँ पर आपको हुई उस दौरान? सर वहाँ खाने का पैसा नहीं सर, चावल नहीं मिला सर, काम नहीं मिला, इसलिए आ गए सर। तो आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है बहुत कुछ बयां कर रही है और जिस तरीके से जो ये मजदूर हैं हजारों किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका कहना था कि हजारों किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं लेकिन इसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो बीच में उनकी नहीं हुई। इसके अलावा जहाँ पर वो काम करते थे, जिस प्रबंधन के यहाँ काम करते थे, उस प्रबंधन ने भी इनका साथ नहीं दिया। तो हजारों सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर हैं, कोई झारखंड जाने के लिए यहाँ पर पहुंचा है, कोई बिहार जाने के लिए, इसके अलावा कोई हैदराबाद से चलकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो इस तरीके से लगातार जो तस्वीर है वो छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अब जनप्रतिनिधि यहाँ से उनको भोजन करा के जो ट्रक यहाँ से गुजर रही है उनमें बैठाने की व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन चोला राम यादव के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। मानपुर इलाके